6 तो लैके 14 पो तक सारे दिन पक्के नियत कर दिते गए ने। चंगी गल है। तो फिर 23 पो का धन गुरु कलगी धर पातशाह जी का प्रकाश पुरब क्यों नहीं नियत हो सकता जी, जबकि इतिहास के लिखे है। तो आप कदों मनाया 14 पो नू मनाया 29 तरीक मनाया ना जी। 14 पो का दिन कहड़ा है लिखे ये साहबजाद्या का माता गुजरी की अंतिम संस्कार होया दीवान टोडर मल तो बाबा मोती मेहरा जी की शहीदी हुई है 14 पो नू। तो असी उत्थे लड्डू वंड रहे सी, खीरां खा रहे सी। चढ़दी कला का मार्ग है गुरसिखी। असी कोई सोग नहीं मनाउणा किसी की शहीदी का, पर संगत जी एक सिस्टम तो हुंदा है ना। दसवें पातशाह जी का प्रकाश पुरब हर साल संगत चक्करां च पै जांदी है साडे पटियाले च। कईआं ने प्रोग्राम बुक करा के सैटिंग करके सारी कैंसल कीते, कोई हुण मना रहा कोई अगों जनवरी च मना रहा। हर साल क्यों? कहिंदे जी इतिहास लिखिआ जी पोह सुदी सतमी नूं मनाउणा तां उदों ही मनाउणा सी। इतिहास तो लिखे 23 पोह सुदी सतमी बिक्रमी संमत 1723 ईस्वी। 23 पोह भी तो लिखे है ना संगत जी। पता नहीं क्यों साडे आगुआं नूं समझ नहीं आउंदी क्यों संगत नूं इन्हां चक्करां च पाया। थोड़ा जिहा आपां नूं खुद जागना पएगा। हुण आ इक इश्तहार तुसीं मेरे हथ विच देख रहे हो। अज सवेरे मैनूं किसी समागम तों मिलिया ये बारे ना ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी ने दिल्ली सीसगंज साहब तो कथा करद उन्होंने विचार दी सी कि 6 पोह तो लैके 14 पोह तक सारे दिन आप लिख के अपने घर टंग लीए। तो 6 पोह नू सतगुरां ने किला खाली किया, 7 पोह नू परिवार का विछोड़ा होया, 8 नू आ होया, 9 नू आ होया, सारा इतिहास ये लिखा है। उन्होंने बचना से फुल चढ़ाते हैं। दिल्ली च उन्होंने विचार दिता तो पटियाले मैं सवेरे मिल गया जी। बड़ी चंगी गल है, बड़ी खुशी हुई। पर एक मेरे मन दे विच विचार आया, वो फिर मैं अज एक वीडियो बना के रिलीज़ की है खालसा प्रचार मिशन चैनल पर। वह आप जी ने जरूर सुननी है तो अगे शेयर करनी है। 2 मिनट के मैं गल खत्म करा। 6 तो लैके 14 पो तक सारे दिन पक्के नियत कर दिते गए हैं। चंगी गल है। तो फिर 23 पोह का धन गुरु कलगी धर पातशाह जी का प्रकाश पुरब क्यों नहीं नियत हो सकता जी, जबकि इतिहास के लिखे है। तो आप कदों मनाया 14 पोह नू मनाया 29 तरीक मनाया ना जी। 14 पोह का दिन कहड़ा लिखिया ये साहबजाद्या का माता गुजरी की अंतिम संस्कार होया दीवान टोडर मल तो बाबा मोती मेहरा जी की शहीदी हुई है 14 पोह नू। तो असी उत्थे लड्डू वंड रहे सी, खीरां खा रहे सी। चढ़दी कला का मार्ग है गुरसिखी। असी कोई सोग नहीं मनाउणा किसी की शहीदी का, पर संगत जी एक सिस्टम तो हुंदा है ना। दसवें पातशाह जी का प्रकाश पुरब हर साल संगत चक्करां च पै जांदी है साडे पटियाले च। कईआं ने प्रोग्राम बुक करा के सैटिंग करके सारी कैंसल कीते, कोई हुण मना रहा कोई अगों जनवरी च मना रहा। हर साल क्यों? कहिंदे जी इतिहास लिखिआ जी पोह सुदी सतमी नूं मनाउणा तां उदों ही मनाउणा सी। इतिहास तो लिखे 23 पोह सुदी सतमी बिक्रमी संमत 1723 ईस्वी। 23 पोह भी तो लिखे है ना संगत जी। पता नहीं क्यों साडे आगुआं नूं समझ नहीं आउंदी क्यों संगत नूं इन्हां चक्करां च पाया। थोड़ा जिहा आपां नूं खुद जागना पएगा। हुण जे ये तरीकां साहबजाद्यां दीआं शहीदी दीआं तरीकां फिक्स हो सकदियां ने, ठीक है तुसीं 5 जनवरी नूं नहीं मनदे ना मनो। कहिंदे जी गलत है नानक शाही कैलेंडर, मन ली तुहाडी गल। 23 पोह नूं तां नहीं कोई ठुकरा सकदा, वो तो इतिहास लिखिआ ना भी 23 पोह नूं सतगुरां दा प्रकाश होया उही फिक्स कर दो। घट्टो घट शहीदियां तो 10 दिन बाद आऊगा। चढ़दी कला नाल असीं चंगी तरह मनावांगे तो सही ना। हुण उधर साहबजादियां दी शहीदी दे दिन चल रहे ने, इधर अखंड पाठ साहिब रखे जा रहे ने खुशियां दे, लड़ियां लग रही, तैयारियां हो रही। पता नहीं क्यों संगत जी, वो वीडियो जरूर आप जी ने सुननी है तो शेयर करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया दे विच संगत जी बहुत ताकत है। कोई भी मसला हल भी हो सकता जी, वह नुकसान है तो फायदा भी बड़ा है। सो मैं बहुत ही गल्लां इत्थे नहीं करनी हुण समा, क्योंकि नवीन सिंह सभा भी साडी हाजरी है 11:15 बजे। इस करके मैं थोड़ा जिहा हिंट देता है, बाकी विस्तार दे नाल उस वीडियो दे विच खालसा प्रचार मिशन यूट्यूब चैनल पर अज ही रिलीज़ हुई है वीडियो, जरूर आप जी सुनियो। तो ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी तक भी ये पहुँचा दी आप भी, जे ये तुहाडे कहे ते कैलेंडर बन गए ने ते 23 पोह भी तुहाडे कहे ते फिक्स हो सकती है। तुहाडी बड़ी पहुँच है अगे तक। सो बाकी गुरु साहब बख्शिश करन, सानू आप जागना पएगा, सारयां नू एका करना पएगा। अगुआं ते आसना रखी है संगत जी, बड़ा
समा चल रहा, बाकी महाराज जी बख्शिश करन। ये बलवले सन आप जी दे नाल शेयर कीते, समा सीमित है इस करके विस्तार दे विच नहीं। बाकी खालसा प्रचार मिशन दियां जिहड़ियां सेवावां ने आप जी नूं पता ही है, वह बाहर सेवादार एक बैठा साडा, ते जे कोई जानकारी चंगी तरह लैनी है तो उन्हां तों आप जी लै लिओ। दस रहा हूँ आप जी खिमा बख्शो जी, कीर्तन करदिआं विचारां करदिआं होईआं फुल्लां दी खिमा दिओ, सीस बुलाओ फतेह जी, आखो प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।